नमस्ते सच्चाकार, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ वो डॉक्टर इशार अहमद का एक बयान है, जिसमें एक हिंदू पंडित ने मुस्लिम्स को चैलेंज किया था कि अगर आप में हिम्मत है तो मस्जिद अल अक्सा को आप यहूदियों से छुड़वा के देखो, बिकॉज हिंदू मुस्लिम्स के टसल तो चलते ही रहते हैं इंडिया में, स्पेशली मंदिर और मस्जिद को लेकर। तो इस वीडियो में भी एक हिंदू पंडित हैं जिन्होंने ओपनली चैलेंज किया था मुस्लिम्स को, और डॉक्टर इशार अहमद का एक बयान है जिसमें उन्होंने बताया है मस्जिद अल अक्सा और यहूदियों के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें डॉक्टर इशार अहमद का क्या कहना है। इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इसराइल में आपका जो है वहाँ पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिद हैं जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहली अजान दी थी उस मस्जिद में, इस समय इसराइल का कब्जा है, छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं इसलिए आप हमारे मंदिरों पर कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पर तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं, छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए, कन्वर्ट हुए हैं सब। जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है, कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज्यादा मुसलमान से ज्यादा अपने आप को मुसलमान सो करता है। 20 बार मक्का जाएगा, अरब वाला एक बार ना जाइए, 20 बार जंग दिखाएंगे, हम पक्के मुसलमान हैं। अब नोट कर लीजिए, ये किताबें अगर आप पढ़ना चाहें तो किताबुल मलाहिम में पढ़िए। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन ऐसी जंग होनी है, अल मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मस्तहद बीन से और हिंदे बादा खार अच्छा, क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, ये इराक, शाम, उर्दुन, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सिराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमला आवर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है, मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर से अंगारा है, ऊपर से राख है, इसे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें, और मैं हैरान हुआ था इस कमबख्त को हस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया, हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए, वो तो 500 बरस पुरानी बात है जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगर इकबाल ने कहा था है अर्ज फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों पहले अरब का, हस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस ही गुजरे हैं ना, यहूदी तो अर्ज़े मुकद्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें ना क्या बात किया गया, अरबों के सीने में खंजर भोंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं, अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता उसकी। और हुज़ूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। यह हदीस है, हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल अरब मिन शर्रिन क़रीब तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है,
दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर हमने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है और उसके बाद नंबर दो पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सहीहा मौजूद है। अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का जहूर होगा, हजरत ईसा का नजूल होगा और वो ग्रेटर इज़राइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का, एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये बात में होना है, मैं पहली बात पर्च कर रहा हूं। वो पांसा पलटेगा जब पलटेगा, अभी जो सामने है वो क्या है, जिसे मलहमतुल उज़्मा कहा हुज़ूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है, ए वेरी बिग वॉर विच विल बी फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इवन एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अरबी में और आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है जो इसमें कि मुकाशिफात यूहन्ना रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, उस ज्यादा दूर नहीं आया चाहता है। इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव है, नेो कंजर्वेटिव, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफ़क़ अलैह, जिसके तहत कि ये जंग सलीबी शुरू की गई है। तो सुन लीजिए आप, आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इज़राइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुबतुस सगरा को गिराना नंबर 3, वहां थर्ड टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कबले मसीह में, फिर बर्बाद की थी नबूकदनज़र ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी तक गिरी पड़ी है, उनका खाना काबा गिरा हुआ है 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं रोते हैं पीटते हैं मातम करते हैं, वहां वो बनेगा थर्ड टेम्पल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहां है इस वक्त, ये लंदन शरीफ के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ है। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। 70 में टाइटस ने गिराया उसे हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपेश उसमें हो, ये लाकर रखा जाएगा थर्ड टेम्पल में, और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा जो मसीह दज्जाल होगा। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। बहरहाल ये तो बात की बातें हैं ना, इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूं अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब, और पाकिस्तान का मामला बनता ही है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हैंगिंग इन द बैलेंस, हो सकता है अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगरचे उसकी कोई शराइत होगी। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मौजदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बदहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लाजा सजा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया जाए, इट्स जस्ट पॉसिबल। दूर ना समझे, अनहोनी बात ना समझे, जो घेराव हो रहा है आपका
आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहाँ और बदअमनी हो जाए। अब लाहौर में फिर आज धमाके हो गए हैं, दो दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हुआ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, वो जाने बची हैं। जो हमारी अकेडमी का हश्र हुआ वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहाँ बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्स दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्स आ जाए और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। नाउ डू एज यू लाइक, ये उनका नक्शा है। होगा क्या वो अल्लाह जानता है, होगा वो जो अल्लाह चाहे। लेकिन अल्लाह का चाहना जो है वो किस पर मुनहसिर है? यहां इंकलाब बर्पा करो, यहां इस्लाम लाओ। अगर धंधों में लगे रहोगे तो वो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा इंकलाब। सहाबा ने जाने दी थी, कितनी तकलीफें उठाई थी 12 बरस तक मक्की दौर के अंदर, बानशाए दरवेशी दरसादो दमादम सन जो पुख्ता शबी खुदरा बर सल्तनत जम सन। जो हमें ताइफ याद है, जो हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा था हुजूर से कि यौमे ओहद से ज्यादा सख्ती भी आप पर कभी आई? यौमे ओहद पर क्या हुआ था? तलवार का वार पड़ा था आपके चेहरे मुबारक, ये जो रुखसार की हड्डी है इसके अंदर वार गया है, ऊपर खौज की दो कड़ियां थी वो इसमें घुस गई, दो दंदाने मुबारक शहीद हुए। वो खौज की कड़ियां एक साहबी ने अपने दांतों से पकड़ के खींचने की कोशिश की, दांत निकल गए, वो नहीं निकली। क्या जतन करके निकाली गई होगी? तो खून का फवारा, इतना खून गया है कि आप बेहोश हो गए, गिर गए और मशहूर ये हो गया कि आपका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। ये सीरत कभी पढ़ी है? हजरत आयशा के होश का तो यही दौर था ना, यौमे ताइफ में जो आप क्या थी, बच्ची थी, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है उस लोग के साथ। 3 दिन तक हुजूर मक्के की गलियां और वहां के उबाश लोग पथराव कर गए थे इस उम्मीद में कि शायद वहां का कोई सरदार ईमान ले आए। तो यहां तो अबू तालिब भी फौत हो गए, यही दुनिया भी सहारा था, खानदानी सहारा था अबू तालिब के जरिए, और घर में एक दिलजोई करने वाली रफीका हयात थी, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। आपने कहा ये आमुल हुज्न है, अब तो बनू, अब तो सबको तय हो गया कुरैश को कि अब जैसे कत्ल कर दो इनको, इसीलिए आप गए ताइफ, शायद वहां का कोई बड़ा सरदार माने ईमान ले आए मुझ पर, तो मैं अपना बरकस इधर शिफ्ट कर दूं। तीनों से मिले हैं, तीनों ने वो जवाब दिए, निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारे साथ बात भी करने को तैयार नहीं। अच्छा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को नबी बनाकर भेजने के लिए? देखो जाओ, मैं बात नहीं करना चाहता, हो सकता है मैं बेइज्जती कर बैठूं, वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो मैं मारा जाऊंगा, जाओ जाओ जाओ। ये सुलूक मोहब्बत के साथ मिला। और फिर छोकरों को, स्ट्रीट अर्चिन्स जिन्हें आप कहते हैं, इशारा किया था, खबर लो इनकी, पथराव हो रहा है, साथ कोई है ही नहीं, एक आदमी सिर्फ जैद इब्न हारसा। अब सामने से पत्थर आ रहे हैं तो हजरत जैद आगे आ जाते हैं, ढाल बनते हैं, मुझे लगे पत्थर उदू को, आप पीछे से आ रहे हैं, चारों तरफ से तो ढाल नहीं बन सकता इस शख्स, जिस्म लहू लुहान, खून जाकर जूतियों में जम गया है, जूती उतर नहीं थी। फिर वहां से वापसी पर जो दुआ मांगी है, اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس, अल्लाह तेरी जनाब में फरियाद लेकर आया हूं अपने अपने कुव्वत की कमी का, अपने वसाइल की कमी का, और जो जिल्लत खारी हो रही है लोगों के सामने, इला मल तकेलो नी, मुझे किसके हवाले कर दिया, इला बाईदी ये तजहमो नी, यह मेरे ऊपर हुजूम करके आ जाए, हमला करें, और आदू भी मन लगता हमरे, या दुश्मन के हवाले मेरा मामला किया, जो चाहे करते वो। लेकिन फिर अब्दियत गालिब आती है, इल्लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली, अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, सर तकदीर खम है जो मिजाज याद में आए,
मुझे अंदेशा यह है कि तू नाराज तो नहीं होगी। ये तकलीफें झेली है, सैकड़ों साहबा ने जानों का नजराना पेश किया है, आजाब की जंग में फाकों पर फाके हो रहे थे और उन फाकों की हालत में खंदक खेत खोदने का हुक्म मिला है, लोगों की कमरें दोहरी हो रही है, पत्थर बांधे हैं अपने पेटों से अपने चादरों के साथ कसकर कब्र दोहरी न हो जाए, और जब सहाबा कुदाले चला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, नहनु लज़ीन बायअउ मुहम्मदा अला जिहाद मा बकीना अबदा, अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा। सहाबा कहते थे हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद से बैत की है कि जिहाद करते रहेंगे जब तक जान में जान, जान निकल जाए तो बात और, जान है चाहे अभी भूख से कमर दौड़ी हुई जा रही, जान तो है। और एक तवा कहते थे अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा, अल्लाह ऐश जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। और हुजूर फरमाते थे, हुजूर के बैठे हुए नहीं थे गांव तक क्या लगाकर पत्थर उठा उठाकर खंदक में से ले जाकर बाहर फेंक रहे थे। जब सहाबा कहते अल्लाहुम्मा ला इशा इल्ला इशुल आखिरा, हुजूर फरमा रहे हैं फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा, ए अल्लाह इन अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर हुजूर की खिदमत में कुछ लोग आए, हुजूर अब ये फाका नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, देखिए हमने ये पत्थर बांधे हुए अपने पेट के साथ। हुजूर ने कुर्ता उठाकर दिखाया, वहां दो पत्थर बांधे हुए। ये है सीरत नबी, आप किस चीज को सीरत नबी समझते हैं। बहरहाल इस मौजू पर मेरी एक किताब है मनहज इनकलाब नबवी, इनकलाब कैसे आया था। अगर दिल में जरा भी आरजू पैदा हो गई हो कि अल्लाह कबूल कर ले मुझे भी, मुझे कबूल कर ले इस काम के लिए, तो वो किताब आपके लिए मस्त होगी इसका पढ़ना। तो यहूदियों को एक ना एक दिन अपने किए हुए गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इन सब चीजों को लेकर कभी किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो हिंदू पंडित जो थे वो कह रहे थे कि मुस्लिम्स को उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम अपनी मस्जिद को छुड़वा के दिखाओ यहूदियों से। तो वो जो होना है वो तो एक ना एक दिन होकर ही रहेगा, लेकिन इन सब चीजों को लेकर ना कभी किसी को एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट नहीं करना चाहिए। जो होना है वो लिखा हुआ है और वो एक ना एक दिन जरूर होकर रहेगा। तो किसी को ये कह देना कि मतलब अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, जैसे इस वीडियो में हमने देखा है कि वो हिंदू पंडित जो है उन्होंने मुस्लिम्स को ओपनली चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम अपनी वो मस्जिद को छुड़वा के दिखाओ, यहाँ पर तो तुमने हमारे मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। वो आज की बात नहीं है, आज कोई किसी के मंदिर पर या मस्जिद पर कब्जा नहीं कर रहा। पहले जब मुगलों के टाइम पर कुछ हुआ था तो हुआ था, आज उन छोटी छोटी चीज़ों के लेके क्यों लोग लड़ते हैं। और इस वीडियो में आगे डॉक्टर इसार अहमद ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने उस वॉर का भी जिक्र किया है जिसमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोट लग गई थी गाल पे और उनके दो दांत भी टूट गए थे। और जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगती थी तो उस भूख को वो बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करते थे, और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो उसे पेट पे पत्थर बांध के कंट्रोल करते थे, जो कि बहुत ही इमोशनल लगता है सुनने में। रसूल की भूख का वाकया मैंने कई बार सुना हुआ है, मौलाना तारिक जमील साहब से, मौलाना तारिक मसूद से और डॉक्टर इसार अहमद से भी सुना हुआ है, लेकिन मुझे जब भी ये सुनती हूँ ना वाकया हमेशा वही इमोशनल फीलिंग्स आती हैं जो कि मेरे फर्स्ट टाइम पर आई थी। सुनने में बहुत ही मतलब इमोशनली बंदा टूट जाता है सुन के कि कैसे रसूल के साथ में उस टाइम पर ये सब हुआ था, वो कैसे बर्दाश्त करते थे ये सब चीज़ें। तो अगेन बहुत ही अच्छा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में जो बेल आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहेंगे। बाय बाय।